हाय फ्रेंड्स वेलकम अगेन ऑन सीता क्लासेस तो फटाफट फड़ से स्टार्ट करते हैं देखते हैं सेवनटीन क्वेश्चन क्या कह रहा है ठीक है जी तो यहां पे मैं करा रहा था वो जो मैं भूल गया था पार्ट थीटा वाला है आपने देखा ना टेंथा वन बाय रूट थ्री नाइन्थ क्वेश्चन तो सिक्सटीन तक मैं करा चुका था तब मुझे याद आया कि यार मैंने वो कराया ही नहीं ठीक है तो मैंने वो शूट कर दिया अलग से तो थर्टी डिग्री और वन डिग्री है ना 90 प्लस सीटा मत करना क्योंकि उसमें टेन का कॉट हो जाता है ठीक है नाउ इन द ट्राइंगल एबीसी विद एबीसी ए बी सी ये वर्टिस इक्वेशन इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड 90 डिग्री एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए तो जरा एक ट्रायंगल ड्रॉ करो आप ग्राफ पे ड्रॉ कर लेना मैं सिंपल तो एक वर्टेक्स है हमारे पास ए तो एक वर्टेक्स है हमारे पास सी और एक वर्टेक्स है हमारे पास बी ठीक है वर्टेक्स ए कितनी है भाई टू थ्री वर्टेक्स बी कितनी है फोर माइनस वन और सी कितनी है वन टू तो इक्वेशन एंड लेंथ दोनों निकालनी है तो वर्टेक्स ए से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया लेट ए डी तो AD की लेंथ भी निकालनी है और AD की इक्वेशन भी निकालनी है हो जाएगा अब सबसे पहली चीज अगर मैं AD की इक्वेशन देखूं तो AD इज अ पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड डी ठीक है अब AD पे जो पॉइंट है वो मुझे पता है ए टू थ्री टू थ्री से पास होती है अगर इसका स्लोप आ जाए तो मजा आ जाए अब एडी परपेंडिकुलर है बी सी पे तो इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन होगा आ गई भैया तो फॉर इक्वेशन ऑफ एडी तो वी नीड टू थिंग्स पॉइंट पॉइंट हमारे पास है टू थ्री स्लोप लेट एम अब स्लोप आ जाए तो मजा आ जाए अब ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी वन टू फोर माइनस वन तो एज एडी इज परपेंडिकुलर टू बी सी तो स्लोप ऑफ एडी इनटू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू माइनस वन अब बी सी तो जो पास हो रही है इसके जो पॉइंट्स हैं वो हैं फोर माइनस वन और टू 1 और टू और वन और टू वन और टू फोर माइनस वन वन और टू ये है ठीक है जी तो इसका स्लोप तो आ जाएगा टू पॉइंट फॉर्म से तो एडी का स्लोप लेट एम अब वाई टू माइनस वाई वन तो वाई टू तो लेट इसको मैंने एक्स वन वाई वन लिया इसको मैंने एक्स टू वाई टू लिया तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ठीक है जी तो टू प्लस वन अपॉन माइनस थ्री तो थ्री अपॉन माइनस थ्री इज माइनस वन तो एम इज वन तो एम की वैल्यू वन आ गई भाई ठीक है जी तो एम इज वन तो पॉइंट है स्लोप है निकाल दो इक्वेशन तो y माइनस वाई वन स्लोप एक्स माइनस एक्स वन तो वी गेट y माइनस थ्री स्लोप एक्स माइनस टू तो y माइनस थ्री इज एक्स माइनस टू तो अब इस पार्ट को आप इधर लेके आओ तो x तो प्लस का रहेगा y माइनस का हो जाएगा और थ्री प्लस का हो जाएगा तो एक्स माइनस वाई प्लस वन इज जीरो तो, ये तो हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए तो वर्टेक्स ए से अगर आप एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे बीसी पे तो उसकी इक्वेशन तो आ गई अब लेंथ निकालनी है एडी की देखो अगर मैं एडी देखूं तो एक पॉइंट है एसी एक लाइन है इसको एक्सटेंड कर देते हैं लो ये लो तो BC एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट बी एंड सी तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ये है AD डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन तो BC की इक्वेशन अगर मेरे पास आ जाए तो मैं फॉर्मुला लगा दूंगा नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ BC तो वन टू और फोर माइनस वन वन टू और फोर माइनस वन तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू टू पॉइंट दैट्स वन टू फोर माइनस वन तो लेट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो इसका स्लोप निकाल लो दैट्स वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन तो थ्री अपॉन माइनस थ्री स्लोप अब पॉइंट है स्लोप है इक्वेशन निकाल दो तो y माइनस वाई वन तो ये माइनस वन वाई वन स्लोप x माइनस एक्स वन तो दैट वुड बी y प्लस वन माइनस एक्स प्लस फोर तो एक्स प्लस वाई प्लस वन माइनस फोर तो एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इज जीरो ठीक है तो एक बार चेक कर लेते हैं वाई माइनस वाई वन ठीक है स्लोप माइनस वन है ठीक है एक्स माइनस एक्स वन ठीक है तो माइनस एक्स प्लस फोर ठीक है तो एक्स प्लस वाई माइनस थ्री आ गई इक्वेशन तो इस लाइन की क्वेश्चन आ रही है x प्लस वाई माइनस थ्री इज जीरोना भाई यही आ रही है ना x प्लस वाई माइनस थ्री ठीक है अब मुझे क्या करना है इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द लाइन बी सी ठीक है तो AD फॉर्मूला पुट कर दो तो x और y की जगह टू और थ्री पुट करोगे तो टू प्लस थ्री माइनस थ्री अपॉन में ंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब ए होता है एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर एक्स का कोफिशियंट वन वाई का कोफिशियंट बी वन तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एडी इज टू अपॉन रूट टू तो टू को आप लिख सकते हो रूट टू इन रूट टू वै तो एडी इज रूट टू यूनिट्स तो इक्वेशन आ गई हमारे पास ये एक्स माइनस वाई प्लस वन टू जीरो और लेंथरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में काफी बार आया है काफी स्कूलों के तो काफी सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास तो काफी सारे स्कूलों में हमने क्वेश्चन देखा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इन द ट्राइंगल एबीसी विद इज इतना फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए बहुत सिंपल हो गया है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेल्थ में भी है इफ पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पी इज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुप्ट ऑन द एक्स आर ए एंड बी देन शो दैट वन बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर ठीक है तो एक लाइन है जिसके इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट a y इंटरसेप्ट b ठीक है ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जिसकी लेंथ है पी इफ पी इज द लेंथ ठीक है तो सबसे पहले एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं ये एक लाइन हो गई और इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे आप एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वन इस वन को अगर मैं इधर लाऊं तो माइनस का हो जाएगा तो आप लिखोगे x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो गई लाइन की इक्वेशन अब इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन ओ तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे जीरो जीरो और इसकी लेंथ है पी ठीक है तो ओडी ज लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन अब आपको ये चाहिए 1 by P square a a लगा दो तो जहां जहां एक्स और वाई है वहां वहां आप ये पॉइंट जीरो जीरो पुट करोगे ठीक है जी एक्स का कोफिशियंट है और बी का वाई का कोफिशियंट है वन बाय बी ध्यान रखना तो P इज इक्वल टू एक्स और y की जगह आप पुट करोगे जीरो जीरो कर दो जरा तो जीरो अपॉन ए जीरो बी माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वायर मतलब x के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशियंट का स्क्वायर अब x का कोफिशियंट वन बाय ए है तो वन बाय ए का स्क्वायर वाई का कोफिशियंट वन बाय बी है तो वन बाय बी का स्क्वायर ध्यान से एक्स के कोफिशन का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशंट का स्क्वायर है ना ठीक बहुत ध्यान से अब ये पार्ट जीरो पार्ट जीरो तो ऊपर रह गया माइनस वन तो पी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन में वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर अब स्क्वेरिंग बोथ साइड्स स्क्वेरिंग बोथ साइड्स तो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वेयर इज वन अब इसका स्क्वेयर करोगे तो अंडर रूट का स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा तो अपॉन में रह जाएगा वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वेयर अरे वाह भाई वाह ये तो प्रूव हो गया तो इसको आप लिख सकते हो वन बाय ए स्क्वेर प्लस सॉरी वन बाय ए स्क्वेयर प्लस वन बाय बी स्क्वे इज वन बाय स्क्र हैंस प्रूफ चेंज कर दिया इसको इधर ले आए और पी को नीचे ले आए सिंपल सी बात है है ना भाई तो इसको उधर लेगा पी को नीचे ले आए हैंस प्रूफ्ड हो गया खत्म हो गए कहानी अच्छा थोड़ी बच्चों की डिमांड आई है थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर मैंने आपसे कहा था कि टेन थीट मॉड वन बाई रूट थ्री तो मैंने आपको कहा कि टेन थी प्लस वन बाय थ्री टेन थीटा इज माइनस वन बाय रूट थ्री अब उन्होंने कहा थीटा इज वन बाय रूट थ्री तो थीटा थर्टी डिग्री उन्होंने कहा ठीक है अब ये जो माइनस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाए माइनस थीटा भी लिख सकते हैं और पाए बाय टू प्लस थीटा देखो पाए बाय टू प्लस थीटा सेकेंड प्वाइंट में लिख सकते हैं लेकिन ये टेन नहीं रहेगा फिर क्योंकि अगर अपॉन में टू होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है तो आपको यहां पे कॉट लेना पड़ेगा तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर तो टेन है इसलिए मैंने नाइनटी प्लस थीटा नहीं लिया था समझो बात को तो इसीलिए टेन थीटा इज इक्वल टू टेन वन एट्टी डिग्री माइनस थर्टी तो थीटा इज वन फिफ्टी डिग्री तो यहां पे थर्टी यहां पे वन फिफ्टी तो दो आंसर आएंगे थर्टी डिग्री और वन फिफ्टी डिग्री आप यहां पे नाइनटी प्लस थीटा नहीं लोगे अदरवाइज वो टेन और कॉट हो जाएगा तो वो सही नहीं आएगा फिर वो सही मैच नहीं होगा टेन है तो टेन ही होना चाहिए तो इसीलिए कंप्लीट पायलोगे आप तो एक छोटा सा लॉजिक ध्यान रखो जब भी जैसे सेकंड क्वार्टर में जाना है तो वहां पे पाई पाई माइनस थीटा थीटा बाय प्लस दोनों होते हैं आप हमेशा पाई माइनस थीटा लिखो खत्म ठीक आहा, आहा, आहा। है जी तो बहुत सिंपल थे अब हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है अब हम आएंगे मिसलेनियस पे मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करेंगे ठीक है जी ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय बाय ध्यान रखो ख्याल रखो प्रैक्टिस करते रहो